ये सब हाथ से बनाया गया है, ये देखिए ये। फिर ये दुपट्टा, ये सब पे हैंडमेड पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग जिसको हम लोग हैंडलूम भी बोलते हैं। हाँ, हैंडलूम। और ये जो पीछे कुर्ता उड़ता है, कुर्ती है, फिर दुपट्टा है, सूट है। और आप लोग कहाँ से आए मैम? हम लोग यहीं के से, पटना। पटना के हैं तो फिर भी मतलब जैसे सीखे हैं तो सीखे हैं वहाँ से और यहाँ पे अपना बनाते हैं। क्या प्राइस पड़ता है भैया? 500 का। ये सारा चीज़ हाथ से बनाए होंगे लोग? जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगा होगा बनाने में। फिर भी देख लीजिए दोस्तों, हर एक चीज़ बिक रहा है और क्राउड देख लीजिए, सबको यहाँ है ख़रीदारी करने। और अभी हम 2 बजे के आसपास आए हुए हैं, जैसे जैसे शाम होते जाता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जाता है। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर साड़ी हमें कुछ अच्छा ही दिख रहा है, थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। फूड का स्टॉल आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को टिक्की चाट भी मिल जाएगा और कुछ टिक्की पापड़ी चाट मिल जाएगा। और इधर देख लीजिए, इधर भी चाट का स्टॉल है, चाउमीन मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए सेका हुआ लिट्टी मिल जाएगा और यहाँ पे चाउमीन मिल जाएगा, अभी चाउमीन बना रहे हैं भैया गरम गरम। और यहाँ देख लीजिए आप लोगों को पाव भाजी भी मिल जाएगा और ये डोसा है, डोसा भी मिल जाएगा। क्या डोसा है? वेज डोसा, पनीर डोसा सब आपके पास अवेलेबल है जी। और आप लोग आइए खाइए यहाँ पे। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। अभी हम आए हैं गांधी मैदान और गांधी मैदान में ब्लॉग बनाने वाले हैं स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23। और चलिए अंदर, बहुत अच्छा मेला लगा हुआ है, चलिए अंदर चल के हम पूरा व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों स्टेट हैंडलूम एक्सपो के अंदर अब हम एंट्री करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेट हैंडलूम एक्सपो के पास और 2022-23। और ये जो मेला है 17/12/2022 से लेकर 30/12/2022 तक रहेगा। तो अगर आप भी लोग मतलब ख़रीदारी करना चाहते हैं, एक बार ज़रूर आइए। और यहाँ बहुत अच्छा अच्छा चीज़ बिकता है। और चलिए एक एक करके हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। कि दोस्तों जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो फर्स्ट ही में आप लोग को यहाँ पे देख लीजिए, दरी ओरी लेना होगा हर एक चीज़ मिल जाएगा। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से पूरा मेला चालू हो जाता है और चलिए इसके अंदर चलकर हम पूरा व्यू दिखाते हैं। अभी देख लीजिए दोस्तों, हर एक चीज़ बिक रहा है और क्राउड देख लीजिए, सबको यहाँ है ख़रीदारी करने। और अभी हम 2 बजे के आसपास आए हुए हैं, जैसे जैसे शाम होते जाता है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जाता है। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर साड़ी हमें कुछ अच्छा ही दिख रहा है, आइए थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से आए हैं अंकल जी? कर्नाटक से। कर्नाटक से। और जितना भी यहाँ पर मटेरियल साड़ी है आपके पास, कहाँ से लाए हैं? वहीं से। हाँ, वहीं से। और क्या कॉस्ट रहता है साड़ी का? स्टार्टिंग प्राइस है 1,500 से। जैसा कि दोस्तों आप लोग को अगर कुर्ती चाहिए तो कुर्ती भी आप लोग आके ले सकते हैं। और चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर भी पूरा साड़ी बिक रहा है और इधर भी पूरा साड़ी बिक रहा है दोस्तों। और इधर भी आप लोग को जिस टाइप का साड़ी चाहिए उस टाइप का साड़ी मिल जाएगा। और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बिक रहा है, देख लीजिए, सबको यहाँ है ख़रीदारी करने के लिए। चारों तरफ देखा जाए दोस्तों तो स्टॉल ही स्टॉल है और सब कोई आए हैं बेचने के लिए। और समझिए तो भीड़ जैसे जैसे शाम होते जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ देख लीजिए, पूरा आप लोग को जिस कलर में साड़ी चाहिए उस कलर में मिल जाएगा। अगर आप लोग ख़रीदारी करना चाहते हैं एक बार ज़रूर आइए। और यहाँ पर भी देख लीजिए, पूरा मतलब साड़ी को लगाया गया है। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। इधर शॉल भी मिल जाएगा दोस्तों आप लोग को और इधर साड़ी बिक रहा है। इसके अंदर समझिए तो अच्छा से अच्छा आप लोगों को साड़ी मिल जाएगा और कुर्ती मिल जाएगा। और ऊपर देख लीजिए कुछ बंडी टाइप का रखा गया है और इधर भी साड़ी बिक रहा है। लगभग हमको यहाँ पे सिर्फ साड़ी ही दिख रहा है, जिधर भी देख रहे हैं उधर पूरा साड़ी ही साड़ी है। आप लोग आइए ख़रीदारी कीजिए और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं। अच्छा भैया, ये क्या है? खादी का है। खादी का मतलब क्या चाहिए? खादी का आइटम जैसे कि आपको कुर्ता मिल जाएगा, शर्ट का मिल जाएगा, कपड़ा बना हुआ रेडीमेड में मिल जाएगा आपको, कुर्ता भी मिल जाएगा, शर्ट भी मिल जाएगा, बहुत सारा आइटम। जैसे गमछा हो गया खादी का, खादी का कुर्ता कपड़ा हो गया वाइट में, रंगीन में। और स्टार्टिंग प्राइस क्या आएगा? स्टार्टिंग प्राइस जो है कि 180 से लेकर के शुरू है, बाकी तो लास्ट कोई तो इसे ले लेना आप। क्वालिटी बढ़ते जाएगा, पैसा भी बढ़ता, पैसा बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर हम लगभग देखें तो ज़्यादातर साड़ी ही बिक रहा है, क्या क्या मतलब यहाँ पर आया हुआ? यहाँ तो स्टॉल है, ये तो स्टेट हैंडलूम एक्सपो की तरफ से बना हुआ स्टॉल लगा हुआ है, तो उसी में अपना अपना आइटम लेकर के आया हुआ है सब। क्या क्या आपके पास अवेलेबल है सर जी? हमारे पास साड़ी अवेलेबल है सारा लीलन में, सिल्क में सूट अवेलेबल है, रेडीमेड में जैकेट सिल्क में सारा अवेलेबल है, दुपट्टा सारा अवेलेबल है। आपका काउंटर नंबर कितना है? काउंटर नंबर 33 है।
और क्या स्टार्टिंग प्राइस रहता है साड़ी का? स्टार्टिंग प्राइस 3,000 से हमारे पास स्टार्ट है, 1,500 तक लास्ट है। यानी जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पैसा बढ़ते जाएगा। हाँ। और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम भागलपुर से हैं। और कौन सा साड़ी, सिल्क का साड़ी बेच रहे हैं? हमारे पास सिल्क का भी साड़ी है, सिल्क की साड़ी स्टार्टिंग 8,000 से है। अच्छा। ठीक है, 4,000 तक लास्ट है, लीलन 3,000 से स्टार्ट है, 1,500 तक है। ये हो गया साड़ी का क्वालिटी, ये साड़ी का क्वालिटी। सूट का हो गया 3,000 का है, 30% लेस करके 2,100 का आएगा सर। सिल्क में सारा सूट पीस है, 3,000 का बंडी है सिल्क में, तस्सर में, वो 2,100 का आएगा। और एक और चीज़ पूछना चाहेंगे, सुबह में कितना बजे खुल जाता है ये? सुबह 10 बजे खुलता है सर, रात में कितना बजे तक बंद हो जाता है? 9 बजे बंद हो जाता है। यहाँ भी देख लीजिए दोस्तों, अच्छा से अच्छा कलर में आप लोगों को साड़ी मिल जाएगा। क्या स्टार्टिंग प्राइस होता है भैया साड़ी का? 1,500 रुपया है सर। सिल्क का है कि क्या चीज का? ये सिल्क आएगा, हैंडलूम सिल्क में आ जाएगा। और इधर क्या क्या है? ये सूट पीस आ जाएंगे आपको, सूट पीस आ जाएंगे। क्या रेट है? ये 1,000 रुपये से स्टार्ट है, 3,000 तक। और ये क्या चीज रखा हुआ है? वो शर्ट का कपड़ा है। शर्ट का कपड़ा, यानी जो शर्ट का कपड़ा भी लेना चाहेंगे वो मिल जाएगा? हाँ, सब मिल जाएगा। और उसका क्या प्राइस पड़ेगा? वो 200 रुपये मीटर से लेके 1,000 रुपये मीटर तक। क्वालिटी कैसा रहेगा? क्वालिटी बहुत बेस्ट रहती है, सब हैंडलूम क्वालिटी है ना, खादी में मिल जाएगा। और कॉटन पैंट में रखे हैं कि नहीं कपड़ा? कॉटन में भी मिल जाएगा। कॉटन पैंट अगर कोई लेना चाहेंगे कपड़ा में तो मिल जाएगा, कॉटन में भी मिल जाएगा। उसका क्या मीटर पड़ेगा? वो 250 रुपये मीटर आएगा हैंडलूम वाला। और कंपनी कौन सा रहेगा? कंपनी में खादी रहता है हैंडलूम का। बेडशीट है ये, सनिल कॉटन होता है, ये सर्दियों के लिए गर्म करती है और गर्मियों में ठंडा रहती है। अच्छा। और ये कलर कभी इसके जाते नहीं है, सालों साल इसका लास्टिंग है, हैंडलूम में प्योर। इसका बनाने में जो है ना, एक आदमी को बनाने में इसको पूरा 6 घंटे लग जाता है। 6 घंटा एक बनाने में? एक बनाने में। अच्छा। और आप कहाँ पे आप लोग बनाते हैं मेन आपका कहाँ? प्रदेश, मध्य प्रदेश से हम लोग, मध्य प्रदेश से पड़ाना है, मध्य प्रदेश में पड़ता, पड़ाना से है आपका। वहाँ पे बिजनेस हो गया, यहाँ पार्ट टाइम बेचने आए? ये सब गवर्नमेंट सोसाइटी का हैंडलूम से है। अच्छा। हम लोग हैंडलूम सोसाइटी से हैं, सोसाइटी से है, उन्हें बुलाया है तो इधर हम आए। और क्या प्राइस पड़ेगा डबल बेड शीट? इसमें रेट के क्वालिटी के हिसाब से डबल बेड 500 से आपका स्टार्टिंग आएगा, 600 700 सिंगल बेड 250 से स्टार्टिंग आएगा। उसका आधा पैसा हो जाएगा? आधा पैसा 250 है। इधर लिखा है तौली वोली कैसे पड़ेगा? ये टॉवली आपका 160 का आएगा, 180 का आएगा, क्वालिटी के हिसाब से आता है। उसमें भी कुछ मतलब खूबी होगा? हाँ, खूबी इसमें कॉटन है, पूरा 100% कॉटन आएगा, पानी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, चारों तरफ काउंटर ही काउंटर, स्टॉल ही स्टॉल लगाया गया है। और एक एक करके समझिए तो पूरा दुकान दिखाना वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। और एक काफ़ी सुंदर चीज़ देखने को मिला, गुड़िया। क्या प्राइस पड़ता है भैया? 500 का। ये सारा चीज़ हाथ से बनाए होंगे लोग? जैसा कि दोस्तों देख लीजिए, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगा होगा बनाने में। और ये मतलब पटुआ का है कि काची का? पटसन का, जूट जिसको कहते हैं। और ये हम शायद पटुआ की तरह दिख रहा है, हम लोग मतलब पटुआ ही बोलता है इसका? नहीं, छपरा सिवान गोपालगंज की ओर पटुआ बोला जाता है। हम भी उधर ही गए, पटुआ ही बोलते हैं। हाँ। ये सारा चीज़ हाथ से बनाया गया? ये सब हाथ से बनाया गया। ये देखिए, ये फिर ये दुपट्टा, ये सब पे हैंडमेड पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग जिसको हम लोग हैंडलूम भी बोलते हैं। हाँ, हैंडलूम। और ये जो पीछे कुर्ता उड़ता है, कुर्ती है, फिर दुपट्टा है, सूट है। और आप लोग कहाँ से आए मैम? हम लोग यहीं के से, पटना। पटना के हैं तो फिर भी मतलब जैसे सीखे हैं तो सीखे हैं वहाँ से, और यहाँ पे अपना बनाते हैं। तो यहाँ पे कहीं अपना खुद का शॉप भी होगा? कहाँ पे? चिड़ियाटर। और यहाँ पे मतलब अपना पार्ट टाइम में आके अपना मतलब प्रोडक्ट पब्लिक को दिखा रहे हैं, अपना बेचते। और क्या स्टार्टिंग प्राइस होता है मैम? स्टार्टिंग प्राइस 100 से, देखिए जैसे 100 का है, ये 100 का है, फिर ये 150 का है, ये 100 का है, ये मास्क 100 का है, फिर ये सब 400 से है, 400। ये बनाने में काफ़ी समय लग जाता है ना? बहुत ज़्यादा टाइम, ये कपड़े पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। जैसा कि दोस्तों आप लोग एक चीज़ जान जाइए, पैसा मैटर नहीं करता है, मैटर करता है मेहनत। ये जितना भी चीज़ बनाया गया है पूरा हाथ से बनाया गया है। जैसा कि दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ देख लीजिए कुछ फूड का स्टॉल भी लगाया गया है। थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को फूड का स्टॉल।
आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग को टिक्की चाट भी मिल जाएगा और कुछ टिक्की पापड़ी चाट मिल जाएगा। और इधर देख लीजिए, इधर भी चाट का स्टॉल है, चाउमीन मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए सेका हुआ लिट्टी मिल जाएगा और यहाँ पे चाउमीन मिल जाएगा, अभी चाउमीन बना रहे हैं भैया गरम गरम। और यहाँ देख लीजिए आप लोगों को पाव भाजी भी मिल जाएगा और ये डोसा है, डोसा भी मिल जाएगा। क्या डोसा है? वेज डोसा, पनीर डोसा सब आपके पास अवेलेबल है जी। और आप लोग आइए खाइए यहाँ पे। और इधर भी देख लीजिए दोस्तों, चारों तरफ काउंटर ही काउंटर है और देख लीजिए सब कोई आए हैं ख़रीदारी करने के लिए। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आते हैं तो बताइए अंकल जी क्या बेच रहे हैं आप? हम जो है खादी का बेचते हैं, नालंदा जिला खादी ग्राम उद्योग संघ से है। इसमें शर्ट कुर्ता कोट ऊनी बंडी जैकेट शॉल वगैरह हर तरह का आइटम हमारे पास है। और आपके पास काफ़ी ज़्यादा माल हमको दिख रहा है चारों तरफ। माल तो बहुत दिख रहा है, जगह का अभाव है, जगह का खाली अभाव, जगह का अभाव है। माल तो बहुत है हमारे पास, जो हम नीचे रखे हुए हैं घुसा घुसा बहुत। हाँ जैसे आपका हम देख रहे हैं स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है। और क्या प्राइस रहता है स्टार्टिंग प्राइस? स्टार्टिंग कम से कम शटिंग के लिए 200 रुपये मीटर से ऊपर है। अच्छा, 500, 400, 600 रुपये मीटर तक के कपड़ा है। और कस्टमर लोग आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं लोग, घूमने वाले देखने वाले अधिक है, खरीदारी करने वाले कम है। तो जैसा कि दोस्तों हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, जो भी यहाँ पे स्टॉल लगाया गया आप ही लोग के आस में लगाया गया, आप लोग आइए तो कम से कम खरीदारी कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के आस में यहाँ पे अंकल जी लोग लगाते हैं। और आप लोग समझिए तो यहाँ अच्छा से अच्छा चीज़ मिल जाता होगा ना जी? हाँ, और अच्छा रेट भी मिलता होगा। अच्छा रेट भी, रेट अच्छा। हम इस हमारे काउंटर पर, हम खादी के वाले आए हैं, एक ही काउंटर पूरे कैंपस में हैंडलूम में। अच्छा, जो भी देंगे फिर रोटी देंगे। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग? ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भैया ये जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। फाइनली हम वो जगह का ब्लॉग बना देंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। एक चीज़ कहना भूल ही गए, यहाँ पर जितना भी दुकान आप लोग देखें, आप लोग यहाँ पर आके जरूर एक बार खरीदारी कीजिएगा। जो भी मतलब लगाए हैं आप लोग के आस में लगाए हैं, और आप लोग को जो चीज़ अच्छा लगे वो चीज़ खरीद लीजिएगा। और हम यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ बिक रहा था, तो आप लोग आइए खरीदारी कीजिए और अपने छोटे भाई को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।